अगली कॉलर है दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है हमारी बहन का। हाँ देखिए भाई साहब, हम इतना इंतजार करते हैं आपका, 2 दिन तक मेरा फोन नहीं मिला जी, और मैं अपने भाई का इतना इंतजार करती हूँ ना जैसे भगवान का करते हैं। सम्मान कर रहे हैं, लेकिन इतना सम्मान मत करिए कि मुझे घमंड आ जाए, बस इतना जैसे छोटे भाई को करते हैं। नहीं भाई साहब, आपको घमंड कैसे आएगा, आपको आप तो सबकी कितने मतलब बना कर रहे हैं, सब लोग कितने अच्छे से घर में नुस्खा बना के ईमानदारी से खा रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं और हम भी उठा रहे हैं, आपसे कितना कुछ सीख रहे हैं, किचन की भी चीजें हमने रसोई की कितनी सीखी है आपसे, कि मसाले कैसे बनाने चाहिए, कैसे डालने चाहिए, कैसे अदरक लहसुन यूज करना चाहिए। नहीं तो भाई साहब गर्मियों में तो सचमुच अदरक लहसुन को बंदे कर देते थे हफ्ते नीचे। और आपसे सब सुन के और समझ के पूरा प्रॉपर यूज करते हैं, शरीर में अच्छा लगता है, सबको भूख भी लगती है। और कोई सवाल है हमारी बहन का? और सवाल ये है भाई साहब, ये मेरा नाती ना, मैं इसको माज उनार के एक उंगली भर के खिलाती हूँ, मतलब आधी चम्मच से आधी, तो ये तो थोड़ा सा मोटा होता चला गया। मेरी बेटी कह रही मेरी गुठली थी आम बना दिया आपने तो। हाँ वो आपका आपका वो साया है वो बच्चा है, ये बच्चे जो होते हैं तो अजीब होते हैं, और ख़ास तौर पर ये पोता पोती जो है, ओहो मैं भी, मेरे पास भी 4 साल की बच्ची है और वो जाते ही अटैच हो जाती है और जब तक नहीं छोड़ती, कभी मुझे घोड़ा बनाती है, कभी मुझे कुत्ता बनाती है, और क्या क्या बातें करती है, एक ख्याली सब चलता रहता है। और लेकिन वो उसकी अच्छी बात है, जब मैं कहता हूँ अब मुझे सोना है तो बेचारी दरवाज़ा बंद करके बाय करके चली जाती है। तो ये अपने बच्चों को पालने में तो बड़ा परेशानी हुई कि मैं कहीं रहा, बच्चे कहीं रहे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि बच्चे पलते कैसे हैं इस पोती में। और ये बच्चा आपका साया है, जो कुछ आप सिखाएंगे वो सीखेगा, हो सकता है हमारे बाद आपके बाद ये इन दवाइयों से जुड़ा रहे जी। कोई सवाल आपका दयावती जी? जी सवाल है भाई साहब, ये जो है पैर में ना बैठे बैठे सी होगी और नसें कच्ची हुई है, तो नसें तो दर्द नहीं करती, पर वे गांठ दबाने से ना उनमें खड़ासा हो जाता है दबाने से। हाँ देखिए, 2-4 गांठे वैसे सबके होती है, आप हेल्दी होंगी, हेल्दी लोगों के गांठें होती है चर्बी की, और कभी खुद भी ख़त्म हो जाती है। अगर कुछ तकलीफ ना हो तो बहुत परवाह नहीं करनी चाहिए। नसों की तकवियत के लिए तो गौन से आपको पता ही है, नसों को जोड़ों को अच्छा करने के लिए, और गांठों के लिए ये नमक जैतून और खाने का सोडा दिन में एक बार पी लिया करें तो ये चर्बी की खबर लेता है, जहाँ जहाँ चर्बी होती है उसे पिघलाना शुरू करता है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।